चटनी तो आप लोगों ने बहुत खाया, लेकिन ये चटनी एक बार खा के देखिए, फिर आपको इतना अच्छा लगेगा कि बार बार इस तरीके से बना के खाना चाहोगे। नमस्ते, टुम्पा की रसोई में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ टुम्पा। आज हम आप लोगों को कच्चे आम का खट्टा मीठा चटनी रेसिपी दिखाऊंगी। ये खाने में बहुत अच्छे लगते। आप लोग मेरी रेसिपी को एंड तक देखें और अच्छे लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते कैसे बनाते हैं ये कच्चे आम का खट्टी मीठी चटनी। बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो कच्चे आम लिया, ये देखिए, ये दोनों आधा किलो है। अभी आम का सीजन है तो मार्केट में इजीली मिल जाता है कच्चे आम। सबसे पहले हम आम को काट लेंगे, तो मैंने इसका छिलका निकल के इसको पीसेस करेंगे। ये देखिए, एक आम का छिलका निकल के हो गए। अभी दूसरे का भी छिलका निकाल लेते हैं। दोनों आम का छिलका निकल के हो गए। अभी आम को छोटे टुकड़े में काट लेते हैं। इसका बीज जो है अभी भी नरम है, तो मैंने बीच में से इसका काट कर रही हूँ। इसके अंदर ये जो बीज है ये फेंक देना है। अभी आपको ऐसे काट के इसको पीसेस करके लेना है। ये देखिए, मैंने इस तरह से काट लिया। आप चाहे तो इसको घिस के भी ले सकते हैं, या तो और भी छोटे पीसेस कर सकते हैं। तो मैंने दोनों आम काट लिया। चलिए अभी हम आम का चटनी बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने गैस को ऑन किया। गैस के ऊपर एक तवा रख दिया, फ्लेम को मीडियम में रखा। तवा में एक सूखा मिर्च सबसे पहले डालेंगे, क्योंकि सूखा मिर्च को भूनने में थोड़ा टाइम लगते हैं। देखिए, मिर्ची भून के हो गए। अभी इसके अंदर थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा बरीशोप और थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं। जब तक ये मसाला से अच्छे से खुशबू नहीं आ रही, तब तक हम ये मसाला को भून लेंगे। मसाला से अच्छे से खुशबू आ रहा है, मसाला भून के हो गए। अभी हम ये मसाला एक कुटाई के अंदर डाल देंगे और इसको ठंडा होने के बाद दरदरा करके पीस लेंगे। अभी गैस के ऊपर कढ़ाई बिठा देते हैं। कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई। अभी हम इसके अंदर दो चम्मच सरसों का ऑयल डाल देंगे। ऑयल को भी अच्छे से गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो गया। अभी इसके अंदर एक सूखा मिर्ची, थोड़ा सा सरसों, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा कलौंजी, थोड़ा सा मेथी सीड्स और थोड़ा सा बरीशोप डाल देते हैं। ये मसाला भी अच्छा खुशबू आने तक हम फ्राई कर लेंगे। मसाला थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा डालेंगे तो चटनी खाते वक्त मुंह में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, मसाला फ्राई हो गए, कलर भी चेंज हो गए। अभी हम इसके अंदर ये कटा हुआ आम को डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक और नाक के बराबर थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं। नमक हल्दी अच्छे से मिला के आम को एक दो मिनट तक के भून लेंगे। हल्दी नहीं भी डालेगा तो चलेगा, क्योंकि हम इसमें गुड़ डालेंगे और गुड़ का भी एक कलर होता है। कच्चे आम भून के हो गए। अभी हम इसके अंदर दो ग्लास पानी डाल देंगे। ये चटनी थोड़ा पतला रहता है, इसलिए हम दो ग्लास पानी डाला। आप चाहे तो एक ग्लास भी डाल सकते हैं। अभी ढक्कन से ढक के पानी में अच्छे से बॉयल आने देते हैं। ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं। देखिए, पानी बॉयल होना चालू हुआ। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम गुड़ लिया। एक गुड़ हम ये पानी में डाल देंगे। आपको गुड़ पसंद नहीं है तो आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जितना मीठा पसंद है वही हिसाब से आप चीनी या गुड़ डालिए। अभी वापस से ढक के आम और गुड़ को गलने देते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा गुड़ मेल्ट होना बाकी है। आम भी सॉफ्ट हो गए।
अभी इसके अंदर थोड़ा सा किशमिश, आम पापड़ी, ये देखिए मैंने ऐसे पीसेस करके रखा, ये भी थोड़ा सा डाल देते हैं, और 10-12 खजूर भी डाल देते हैं। ये सब डालने से चटनी खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अभी हम चटनी को और 2-3 मिनट तक ही पका लेंगे। आम पापड़ी और खजूर को एंड में डालना चाहिए, क्योंकि आम पापड़ी और खजूर जल्दी गल जाते हैं। अगर चटनी में ये थोड़ा मुँह में आते तो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने एंड में आम पापड़ी और खजूर डाल दिया। मैंने खजूर का बीज नहीं निकाला, आप निकाल के डाल सकते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा काला नमक और ये जो मसाला मैंने पीस के रखा था उसका 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिला देते, ये मसाला से चटनी का खुशबू और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाते। चटनी को हम इतना ही पतला रखेंगे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा बन जाते हैं। आप चाहे तो और भी सुखा सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा पतला चटनी पसंद है। तो मेरा चटनी बन के तैयार हो गया, अभी हम गैस को बंद कर देते हैं। गैस से उतर के कढ़ाई को नीचे रख के चटनी को ठंडा होने देते हैं, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चटनी ठंडा हो गए, ये देखिए गाढ़ा भी बन गए। मुझे इस टाइप का चटनी ज़्यादा पसंद है। अभी सर्व करने के लिए एक प्लेट में निकल लेते हैं। क्यों लग रही है ना ये अम्मी, मेरा तो अभी से ही मुँह में पानी आ रहा है। तो ये था मेरा आज का रेसिपी, कच्ची आम का खट्टा मीठा चटनी। ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। हम बेंगोली लोग घर पे कोई मेहमान आए, फंक्शन हो, या तो छुट्टी का दिन इस टाइप का चटनी बना के पापड़ के साथ खाते। आप भी घर पे बना के पापड़ के साथ खा के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। ये आप ऐसे भी खा सकते हैं। ये चटनी बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो आज यहाँ पर एंड करते हैं। मैं आगे भी आऊँगी आप लोगों के पास मेरा नया नया रेसिपी लेके। तब तक के लिए आप खुश रहिए, थैंक यू सो मच। और हाँ, रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। थैंक यू।